हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वी हैव कंप्लीटेड द मिनकर बैंक इन द अर्लियर सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विच इज न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। ओके, फिश ड्राइंग फैक्ट्री। सो हेड लेट्स हेड टूवर्ड्स नेक्स्ट फिश ड्राइंग फैक्ट्री एंड दैट क्वेश्चन। द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। The panchayat has given them some hand for that. Over the years, they have saved rupees 74,000. Kitna save kiya? 74,000. They find out how much they will need for the factory. Fazila writes the things they need to buy to begin. Fazila ne likha ki kya kya usko start karne ke liye zaruri hai. See the table for the cost of each item and the number of item they want to buy. Fazila ने ये पूरा box बनाया है, उसको क्या क्या खरीदना है और कितने कितने items लेनी है, means कितने number of items खरीदना है और इसके की price क्या है। Okay, तो ये सब पूरा table उसने बनाया, तो total cost कितना है वो हमें find करना है। किसने बनाया ये? Fazila ने। क्यों, किसके लिए? Dry factory के लिए, fish dry factory। Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। देखो, प्राइस ऑफ ईच मींस कोई भी एक वस्तु आप खरीदेंगे, मींस कोई भी वन आइटम आप खरीदेंगे, तो उसका ये वन वन का प्राइस है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये वन वन आइटम का प्राइस है, नॉट 24-20 का नहीं है, ये सिर्फ वन वन आइटम का प्राइस है सब। तो फर्स्ट देखो, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के लिए उसको बोरवेल करना है, बोरवेल चाहिए। ओके, तो एक का प्राइस कितना है? 3000, और उसे कितनी बोरवेल चाहिए? वन। तो यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू 3000, उसकी कॉस्ट कितनी होगी टोटल? 3000। नाउ बाम्बू फॉर फिश ड्राइंग, उसको बाम्बू चाहिए, तो उसका एक का प्राइस कितना है? 2000, और उसको कितने बाम्बू चाहिए? 20। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा। ओके, तो 2 टू 4 एंड 4 0, तो कितना हो गया ये? 40,000 इसका कॉस्ट होगा। नेक्स्ट सीमेंट बैंक, सीमेंट टैंक, तो उसका जो क्या एक का कितना प्राइस है? 1000 रुपीज, और उसको कितने सीमेंट टैंक चाहिए? 4। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 4000 हो जाएगा टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट ट्राई एंड निफ, उसका प्राइस कितना है? 300, उसको कितनी चाहिए? 20। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 6000। ओके, एंड बकेट, उसका प्राइस कितना है? 75, उसको कितने बकेट चाहिए? 20। ओके, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, आंसर क्या आएगा? 1500। तो ये जो पूरा जो मैंने फाइंड किया है, ये पूरा, ये आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लो, या फिर टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख लो साइड में, जो भी यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड की है वो पेंसिल से एक बार साइड में ये कॉस्ट के टेबल में लिख दो, तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। ओके, इसका 3000, इसका 40000, इसका 4000, इसका 6000 एंड इसका 1500। ओके, चलो लिखो फटाफट, 2 मिनट्स दे रही हूँ। फर्स्ट का 3000, इसका 40000, इसका 4000, इसका 6000 एंड इसका 1500। ओके, चलो लिख दिया। नाउ हमें टोटल फाइंड करना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पहले कितना कितना है, ये 3000 है तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3000, उसके नीचे कितना है? 40,000, तो ये 40,000, उसके नीचे 4,000, तो ये 4,000, उसके नीचे 6,000, ये 6,000, और उसके नीचे 1,500। अभी ये सबका हमें प्लस करना है टोटल कॉस्ट के लिए, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5, तो यहाँ पे 5,
आगे 3 + 0 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + 1 = 14, तो ये 4 और 1 कैरी, तो 4 + 1 = 5, 54,500, टोटल कॉस्ट कितना आया 54,500, ओके, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे 54,500 टोटल कॉस्ट, ओके, चलो आंसर में लिख दो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से, और अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो पेन से लिखो, ओके। नाउ नेक्स्ट विच इज व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 इट्स वेट, उसका वेट कितना हो जाता है 1/3। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, ओके। व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट, तो 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, एक मंथ में उसको कितनी पहले ड्राइव करनी है वो पहले फाइंड करो, कितनी करनी है उसको ड्राई 6,000, तो ये 6,000 लिख दिया, और वो कितनी ड्राई हो जाती है 1 month में 1/3, उसका 1/3 वेट हो जाता है, तो 1/3 करो मल्टीप्लाई बाय, ओके। नाउ 6,000 × 1 = 6,000 डिवाइड बाय 3, तो 6,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2,000 kg उसका वेट हो जाएगा, 6,000 kg टोटल उसकी फिश का वेट था, उसको उसने ड्राई किया 1 month के लिए, तो उसका वेट कितना हो जाता है 1/3, 1/3, तो 1/3 हमने किया तो कितना हो जाएगा 6,000 का वेट 2,000 kg, कितना हो जाएगा 2,000 kg, तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है 2,000 kg, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ये आ गया, देखो अभी हमने फाइंड किया ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 6,000 का 1/3 किया तो 2,000 kg, ओके, और जो हमने पूरी सभी वैल्यू फाइंड की थी वो भी यहाँ पे दिए, देखो 3,000, 40,000, 4,000, 6,000 एंड 1,500, ये पूरा सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश, 6 kg ऑफ फ्रेश फिश, वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg, 1 kg का प्राइस कितना है ₹15, ओके। वी सेल ड्राई फिश फॉर ₹70 पर kg, ड्राई फिश को वो कितने में सेल करते हैं ₹70 पर kg, फ्रेश फिश को ₹15 में बेचते हैं 1 kg, और ड्राई फिश को ₹70 में बेचते हैं, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट ब्लैंक kg ड्राई फिश, ओके, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट ब्लैंक kg ऑफ ड्राई फिश, ओके। तो ये सब जो से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए वो हमें सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, वी ड्राई 6 kg ऑफ फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ऑफ ड्राई फिश, क्यों, यहाँ पे देखो ये प्लैंक तो दिया है, अगर हम फ्रेश फिश जो है 6 kg लेंगे तो उसको ड्राई करते तो उसका वेट कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 6 × 1 = 6 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 आएगा, 6 डिवाइड बाय 3 करो, 3 × 2 = 6, तो आंसर 2 kg, मीन्स 2 kg ड्राई फिश, 6 kg फ्रेश फिश हम लेंगे तो ड्राई हमें कितनी मिलेंगी 2 kg, क्योंकि उसका वेट कितना हो जाता है 1/3, ओके। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। तो आपको ये जो है पूरा सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करना है, ये पूरा बॉक्स और इसका ये सॉल्यूशन आपको नोटबुक में भी टेबल बॉक्स बना के पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है बॉक्स, और पेन से सब कुछ लिखना है, अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है वो आपको पेन से लिखना है, और ये जो बॉक्स ड्रॉ किया है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये पूरा आपको कंप्लीट नोटबुक में करना है, ये सॉल्यूशन और ये नीचे का 1 question, ओके।